हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे फ्रेंड आए थे, बहुत ज़्यादा बातें की और बस। तो अभी बना रही हूँ खाना, कल हम लोग बाहर गए थे तो पनीर की सब्ज़ी काफ़ी सारी हमने ऑर्डर की थी, तो पैक करा के लेकर आई थी और अब साथ में बनाऊंगी कुछ और सब्ज़ी। मस्त बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद। और कल हम रात में गए थे ना, तो हमने बटर पनीर मसाला ऑर्डर की थी और बहुत सारी बच गई थी। बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो लोग दे रहे थे और मैं और भाई दोनों ही खाने वाले थे, तो फिर हमने वो सब्जी पैक करवा ली थी और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो फिर हम लोग लेकर आए घर पे। तो ये रही मस्त एकदम टेस्टी वाली हमारी। टमाटर अच्छे से डालती हूँ ना तो बहुत मस्त खटास आ जाती है इसके अंदर। और ये रही पनीर बटर मसाला, गरम गरम फुलके भी बन गए हैं। रही मेरे गरम गरम फुलके रोटियाँ, इसको रख दूँगी ढककर। और बहुत दिनों से मुझे रोटी चूर के खाने का मन हुआ था इस तरह से घी डाल के, तो ये मस्त रोटी चूरूंगी इसको और गुड़ डाल के इसको खाऊंगी चूरमा बना के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। कल हमारे फ्रेंड आए थे, 20 साल पुराने फ्रेंड, मतलब 20 साल से हम लोगों की फ्रेंडशिप है और बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छे। 20 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स मतलब। तो वो आए थे तो मिठाई लेकर, मिठाई नहीं चॉकलेट, ये वहाँ की फेमस है, ये लेकर आए थे। काफ़ी सारे फ्लेवर हैं, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी, फिर बटर स्कॉच, वॉलनट और चॉकलेट, ऑरेंज और कच्चा आम। हाँ, तो ये सब फ्लेवर वाली मस्त चॉकलेट लेकर आए थे बच्चों के लिए। आज सुबह सुबह यही हुआ, फिर हम लोग बातें करने बैठ गए, बहुत सारी बातें की, बहुत मतलब हम लोगों का स्टार्टिंग जर्नी हम लोगों ने साथ में स्टार्ट की थी, वो जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल वाला आपका टाइम होता है वो वाला, और एक आगे आगे बढ़ना, बच्चे साथ बड़े होते देखना, घर को एक घर में एक छोटी छोटी चीज़ को बसाते देखना, उसकी कीमत क्या है, वो वैल्यू क्या है, वो जो इस तरह से मेहनत करके घर बसाते उन्हीं को पता होती है। तो बस वही वाली जर्नी हम लोगों की साथ में, और बहुत ही ज़्यादा ये सारी जब मिलते हैं तो सारी बातें होती है, और ये सारी बातें क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ही होती है। तो ये सब चीज़ें हुई सुबह सुबह। और फिर मेरा भी नाना भी बाकी है, कपड़े समेटने थे कल ऐसे ही रख के चली गई थी, लेकिन कल हम लोगों ने बहुत मज़ा की, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया और इतना ज़्यादा खाया है हमने। मैं जो आज ब्लॉग अपलोड करूँगी ना उसमें आप देखोगे तो सिर्फ खाना ही खाना, और मतलब हम इतना खुश थे, इतना एकदम बहुत दिनों के बाद ऐसी शांति मिली, और इतना घूमे, 2 बज गए थे लेकिन कहीं नींद नहीं थी आँखों में और बहुत मज़ा आ रही थी। बहुत दिनों के बाद ऐसे हम लोग साथ में गए और मतलब इतने अच्छे से एंजॉय किया। एग्जीबिशन भी लगे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भी थे वहाँ पे, साड़ियाँ बहुत सुंदर थी कलकत्ता वाली साड़ी, पर मेरा कोई मन नहीं था शॉपिंग का, बस खा पी के मज़े करने थे, लाइव म्यूज़िक था तो भी बहुत एंजॉय किया हमने बस। और अभी बन गया है खाना, तो बस खाना बन गया है तो बैठूंगी आराम से थोड़ी देर के लिए, और फिर आज जाने वाले हम अथु को बाहर। अथु बोलता कि घुमाने नहीं लेकर गए, घुमाने मिस की कोई हेरिटेज जगह उसको नहीं दिखाई, तो उसी के बुक में आया था अडालज की भाव, तो अडालज की भाव हम दिखाने लेके जा रहे हैं अथु को। तो हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत बारीकी से काम किया हुआ, हम इतने साल पहले गए तब ये था, अब शायद बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, जाएंगे तो पता चलेगा। मस्त देख कर आए, और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं नीचे, काफ़ी सारा नीचे नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियों में, और बहुत सारे लोग फोटोग्राफी मैन तो कराते हैं, बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी ऊपर तक चढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, और बस बहुत मज़ा आई। अथु का खास मन था क्योंकि उसकी बुक में आया था, तो हमने सोचा चलो कि दिखा कर लेकर आते। बहुत थके थे क्योंकि कल रात पे 2 बजे तक जगह पे तो सोना बाकी था, लेकिन फिर भी यहाँ टाइम है 6 बजे बंद हो जाती है, तो बस क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना बाप, काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे और इसीलिए 6 बजे बंद हो जाती है बस, इसीलिए फिर हम लोग आए। और अथु का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अथु का बच्चों को ऐसे जब हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा है और बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उन्हें जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच में जो हमारी हिस्ट्री में है इस तरह का हेरिटेज है वो सच में कैसा दिखता है, और हमारे पास से है, मतलब हम आ सके यहाँ नज़दीक में, तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। अथु को ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, उसने बुक में पढ़ा और आके देखा तो उसका नॉलेज और बढ़ा कि सच में यहाँ जो कोरनी की हुई, काफ़ी बारीकी से अच्छे से कोरनी की हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब देख कर बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बस तो अब जाएंगे, हो गया देखना तो घर जाएंगे अभी।
बाग और यहाँ पर बहुत सुंदर जामफल दिख रहे हैं, लाल कलर वाले एकदम देसी। चलो थोड़ा लेकर जाते हैं, खरीद कर जाते हैं। ये है ओरिजिनल गांव, अडालज गांव है ये।